नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मालदीव के नए राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलेह से माले में बातचीत की। दोनों नेताओं ने मैत्री और सहयोग को फिर से बहाल करने का संकल्प व्यक्त किया। जम्मू कश्मीर में पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान शांतिपूर्वक संपन्न। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण का प्रचार अभियान कल शाम समाप्त होगा। मतदान मंगलवार को होगा। निर्वाचन आयोग ने राजस्थान में चुनाव तैयारियों की समीक्षा की। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु ने कहा, सरकार जल्दी ही ई कॉमर्स नीति की घोषणा करेगी। तमिलनाडु में तूफान ग्रस्त क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य जारी। तूफान से मरने वालों की संख्या बढ़कर 33 हुई। और आईसीसी महिला विश्व कप 2020 क्रिकेट में भारत ने टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया के साथ पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। समाचार संध्या के साथ मैं विमलेंदु पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नए राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलेह के साथ बैठक के बाद मालदीव की अपनी संक्षिप्त यात्रा पूरी की। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने हिंद महासागर में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के महत्व पर सहमति व्यक्त की। उन्होंने क्षेत्र में स्थिरता के लिए एक दूसरे की चिंताओं और आकांक्षाओं को समझने की आवश्यकता पर बल दिया। आज शाम मालदीव के सातवें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के बाद श्री सोलेह ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने देश की कठिन आर्थिक स्थिति से अवगत कराया। दोनों नेताओं ने इस बात पर विचार किया कि भारत किस तरह मालदीव के विकास में अपना योगदान जारी रख सकता है। विशेष रूप से वो नई सरकार को मालदीव के लोगों से किए गए वायदे पूरे करने में कैसे मदद कर सकता है। राष्ट्रपति सोलेह ने आवास और बुनियादी ढांचा विकास की बढ़ती मांग तथा बाहरी द्वीपों में पेयजल और सीवर प्रणाली कायम करने की आवश्यकता से श्री मोदी को अवगत कराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति सोलेह को आश्वस्त किया कि भारत मालदीव के स्थायी सामाजिक और आर्थिक विकास में सहायता करेगा। उन्होंने हर तरह से सहायता करने की भारत की इच्छा भी व्यक्त की और सुझाव दिया कि दोनों देशों को शीघ्र बातचीत करके मालदीव की जरूरतों का ब्यौरा तैयार करना चाहिए। श्री मोदी ने मालदीव में आपसी लाभ के विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय कंपनियों के लिए निवेश के प्रस्तावित अवसरों का स्वागत किया। श्री सोलेह ने राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने और मालदीव की यात्रा करने के लिए श्री मोदी का आभार व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने यह महसूस किया कि भारत और मालदीव के बीच संबंधों के विकास की व्यापक संभावनाएं हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि श्री सोलेह के राष्ट्रपति बनने से दोनों देशों के बीच सहयोग और मित्रता के नए अध्याय की शुरुआत होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति सोलेह को सरकारी यात्रा पर भारत आने का निमंत्रण दिया, जिसे श्री सोलेह ने स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा कि उनके विदेश मंत्री इस महीने की 26 तारीख को भारत की सरकारी यात्रा पर जाएंगे और राष्ट्रपति की आगामी यात्रा की तैयारी की समीक्षा करेंगे। मालदीव के राष्ट्रपति ने बैठक के दौरान देश की खस्ता आर्थिक हालत का जिक्र किया और प्रधानमंत्री मोदी ने इस लिहाज से हर संभव सहायता का वादा किया। विकास परियोजनाओं और निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दोनों देशों के बीच जल्द ही उच्च स्तरीय बैठकों की शुरुआत होगी और राष्ट्रपति सोलेह की भारत यात्रा के बाबत विदेश मंत्री इस महीने नई दिल्ली जाएंगे। दोनों नेताओं ने एक दूसरे के नागरिकों के लिए वीजा प्रक्रिया को और भी सरल बनाने का ऐलान किया। साथ ही हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा और स्थायित्व के लिए एक दूसरे के प्रति संवेदनशील रहने की जरूरत जताई। प्रधानमंत्री मोदी की ये मालदीव की पहली यात्रा थी, जो द्विपक्षीय संबंधों के लिहाज से एक नई शुरुआत है। आकाशवाणी समाचार के लिए सौभाग्य कार के साथ माले से संतोष कुमार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद वियतनाम और ऑस्ट्रेलिया की सप्ताह भर की सरकारी यात्रा पर जा रहे हैं। अपनी यात्रा के पहले चरण में वे कल सुबह वियतनाम के लिए रवाना होंगे। हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट। राष्ट्रपति की यह यात्रा भारत की पूर्व नीति के तहत प्रशांत क्षेत्रों के देशों के साथ भारत की बढ़ती भागीदारी का हिस्सा है। वियतनाम के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के इस साल के शुरू में भारतीय दौरे को देखते हुए राष्ट्रपति कोविंद का यह दौरा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अपने दो राष्ट्रों के दौरे के दौरान राष्ट्रपति के साथ उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा, जिसमें केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री अनंत कुमार हेगड़े और सांसद कामाख्या प्रसाद तासा और डॉक्टर हीना विजय कुमार गावित शामिल हैं। भारत और वियतनाम में व्यापक सामरिक साझेदारी और आपसी गहरे सभ्यता संबंध सहित दोनों देशों के बीच उच्च
स्तरीय नियमित यात्राएं भी शामिल हैं। राष्ट्रपति की यह पहली किसी आसियान देश की यात्रा है। यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, जो भारत का रणनीतिक साझेदार है। संजीव सुंदरियाल, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। आओ बेटा, अब मेरी उम्र हो रही है, आज तुम दोनों के सामने ये बात होना जरूरी है। ये मेरी वसीयत है, यहाँ साइन कर दो। सिर्फ मेरा और भैया का नाम, दीदी का नाम क्यों नहीं है? केशव, बेटियों के नाम तो आज तक वसीयतों में और जमीनों में नहीं लिखे गए। पापा, जो आज तक नहीं हुआ वही तो करना है, आज से हम सब बराबर हैं। वकील साहब, एक नाम और जोड़ दीजिए, बच्चे ठीक कह रहे हैं। बेटों और बेटियों में फर्क क्या करना, बेटियों के पंखों को खुलने दीजिए, उन्हें उड़ने दीजिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। ये आकाशवाणी है। जम्मू कश्मीर में पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान आज शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। राज्य में 9 चरणों में मतदान कराया जा रहा है। जम्मू डिवीजन में 7 जिलों के 29 प्रखंडों में आज वोट डाले गए। पहले चरण के दौरान 85 सरपंच और 1676 पंच निर्विरोध चुने गए। शेष 420 सरपंचों और 1845 पंचों के लिए आज वोट डाले गए। हमारे संवाददाता के अनुसार 5,500 से अधिक उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। पहले चरण के मतदान में उधमपुर की 4 पंचायती ब्लॉकों में लगभग 84% पोलिंग रिकॉर्ड की गई, जबकि कठुआ जिले की 2 पंचायतों में मतदान 81% रिकॉर्ड किया गया। पहाड़ी जिला डोडा की 4 पंचायती ब्लॉकों में 80% मतदान हुआ, जबकि सीमावर्ती जिला रजौरी के 2 पंचायती ब्लॉकों में 78% मतदान हुआ। एक और सीमावर्ती जिला पुंछ में 76% मतदान रिकॉर्ड हुआ। रामबन में 75% और किश्तवाड़ जिला की 5 पंचायती ब्लॉकों में 75% मतदान हुआ। मगर जिला के इलेक्शन ऑफिसर के अनुसार मतदान का प्रतिशत और बढ़ सकता है, क्योंकि दूर दराज इलाकों से पोलिंग के बारे में अभी पूरी जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। आकाशवाणी समाचार के लिए जम्मू से आरके रैना। लद्दाख डिवीजन के लेह जिले में सभी 6 प्रखंडों में मतदान हुआ। हमारी संवाददाता ने खबर दी है कि 32 पंचायतों में से 12 पंचायतों के प्रतिनिधि पहले ही निर्विरोध चुने जा चुके हैं। शेष 20 पंचायतों के लिए आज पहले चरण का मतदान हुआ। दूसरे चरण में इस महीने की 20 तारीख को वोट डाले जाएंगे। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर है, जहां प्रचार का मात्र एक दिन शेष है। इस चरण में इस महीने की 20 तारीख को 72 निर्वाचन क्षेत्रों में वोट डाले जाएंगे। विभिन्न पार्टियों के वरिष्ठ नेता मतदाताओं को लुभाने के प्रयास कर रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए की गई तैयारियों पर संतोष व्यक्त किया है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ओपी रावत की अध्यक्षता वाले आयोग की टीम ने अपने दौरे के दूसरे दिन जयपुर में राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी, मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चुनाव तैयारियों की समीक्षा की। इस बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राज्य के सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की सभी 51,963 मतदान केंद्रों पर पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के साथ वीवीपैट मशीन भी इस्तेमाल की जाएगी। वोटर असिस्टेंस बूथ, मतदाता सहायता बूथ स्थापित किया जाएगा कमीशन द्वारा, ताकि हर मतदाता को जो भी सुविधा चाहिए हो, जो भी जानकारी चाहिए हो, वो उपलब्ध करा दे। इस बीच मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, ग्रामीण विकास मंत्री राजेंद्र राठौर और उच्च शिक्षा मंत्री किरण माहेश्वरी ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए। पूरे राज्य में अब तक 1,199 उम्मीदवारों ने 1,598 नामांकन पत्र दाखिल किए। सोमवार को नामांकन पत्र दाखिल करने का अंतिम दिन है। राज्य में 7 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार ने राजनीति और शासन का एजेंडा ही बदल दिया है। श्री जेटली ने आज भोपाल में भाजपा का घोषणा पत्र जारी करने के अवसर पर ये बात कही। राज्य में एक ही चरण में इस महीने की 28 तारीख को मतदान होगा। तेलंगाना में आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उत्तम कुमार रेड्डी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जी किशन रेड्डी और एनटी रामाराव की पौत्री सुहासिनी ने अपने पर्चे दाखिल किए। उधर मिजोरम में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार तेज हो गया है। मतदान की तारीख नजदीक आते ही बड़े दलों के नेताओं ने प्रचार अभियान तेज कर दिया है। 40 सदस्यीय विधानसभा के लिए इस महीने की 28 तारीख को वोट डाले जाएंगे।
झारखंड में ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जैव कीटनाशकों और अन्य जैविक तरीकों के उपयोग के लिए महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रस्तुत है हमारे रांची संवाददाता की ये ग्राउंड रिपोर्ट। झारखंड में सरकार की मदद से महिलाओं की ऐसी फौज तैयार हो रही है जो गांव-गांव में समूह बनाकर खेती में क्रांति लाने में जुटी हुई है। चतरा जिले के इटखोरी प्रखंड में झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी महिलाओं को बेहतर कृषि के तरीके तथा कीड़े मकोड़े से फसलों को बचाने का प्रशिक्षण दे रहा है। इन्हीं में एक किरण देवी ने अपने अनुभव हमें बताए। इस हालत से खेती हम बचा सकते हैं, फूलों हम लोग सीख रहे हैं और भैया लोग सिखा रहे हैं। खेती बाड़ी में सब कीड़ा मकोड़ा पहचान रहे हैं कि कौन कीड़ा खेती के बचाता है, धान के बचाता है, दवा छिड़काने के लिए सीख रहे हैं। वहीं झारखंड स्टेट लेवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के प्रोग्राम मैनेजर मनोज कुमार यादव ने बताया कि गांव में इनकम बढ़ाने के ऊपर जो बात हो रही है और साथ साथ में जो पेस्ट और डिजीज मैनेजमेंट के ऊपर जो दवाइयों का प्रयोग हो रहा है उसमें जितना नुकसान हो रहा है उसको कम करने के लिए हम लोग जैविक तरीके से कैसे कंट्रोल कर सके उसके ऊपर ये हमारा 3 दिन का ट्रेनिंग है। इस प्रकार केंद्र व राज्य सरकार द्वारा उन्नत कृषि के लिए किए जा रहे पहल का असर अब जमीनी हकीकत के रूप में साफ दिख रहा है। राजेश सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, रांची। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। साहिल, क्या हाल है भाई? क्या बात है, कई दिनों से बहुत व्यस्त हो। एकदम बढ़िया हूँ, बस अपने होटल के कचरे के निपटान का इंतजाम कर रहा था ताकि मुझे हर रोज इकट्ठे होने वाले कचरे को कहीं बाहर ना फेंकना पड़े। अरे भाई, इतना झंझट और खर्चा करने की क्या जरूरत है, बाहर ही फेंक देते। अरे क्या तुम नहीं जानते, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट 2016 के नियमों के अनुसार अगर कोई होटल या रेस्टोरेंट इत्यादि 100 किलो या इससे ज्यादा कचरा उत्पन्न करता है तो उसे अपने कचरे का निपटान खुद ही करना पड़ेगा, नहीं तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। अच्छा, तभी कचरा कम हो रहा है हमारे शहर में। आओ अब जिम्मेदार बने और अपने शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 की रैंकिंग में सबसे ऊपर ले जाए। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय वाणिज्य उद्योग और नागरिक उड्डयन मंत्री सुरेश प्रभु ने कहा है कि सरकार जल्द ही ई कॉमर्स नीति की घोषणा करेगी। मुंबई में एक पुरस्कार समारोह में श्री प्रभु ने कहा कि उद्योग जगत के सभी पक्षों ने नई नीति का मसौदा तैयार किया है और अब इसे औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग की मंजूरी मिलने का इंतजार है। वाणिज्य मंत्री ने यह भी कहा कि हालांकि सरकार विश्व व्यापार संगठन के नियमों को मानती है लेकिन नीति भारत सरकार ही बनाएगी। तमिलनाडु में तूफान ग्रस्त क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य जारी हैं। मुख्यमंत्री ईके पलनीसामी ने कहा है कि राज्य में आए तूफान गज से मरने वालों की संख्या बढ़कर 33 हो गई है, इनमें 11 महिलाएं और 2 बच्चे शामिल हैं। आज सेलम में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य में विद्युत आपूर्ति बहाल करने के लिए 10,000 कर्मचारियों को काम पर लगाया गया है। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिणी अंडमान क्षेत्र में हवा के प्रवाह का नया क्षेत्र बन रहा है। चेन्नई मौसम कार्यालय के प्रमुख डॉ बालाचंद्रन ने बताया कि इसके प्रभाव से दक्षिण पश्चिम खाड़ी के मध्यवर्ती भाग में हवा के कम दबाव का क्षेत्र बन सकता है। आईसीसी महिला विश्व कप 2020 क्रिकेट में भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से हो रहा है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 1 विकेट पर 47 रन बना लिए थे। गयाना के प्रोविडेंस में हो रहे इस मैच में भारत ने आज टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। कर्नाटक में एक सड़क दुर्घटना में 6 पर्यटकों की मौत हो गई जबकि अन्य 10 घायल हो गए। धारवाड़ जिले के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि हुबल्ली के नजदीक एक बस और लॉरी की टक्कर के कारण यह दुर्घटना हुई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मालदीव के नए राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलेह से माले में बातचीत की। दोनों नेताओं ने मैत्री और सहयोग को फिर से बहाल करने का संकल्प व्यक्त किया है। जम्मू कश्मीर में पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हो गया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण का प्रचार अभियान कल शाम समाप्त होगा। मतदान मंगलवार को होगा। निर्वाचन आयोग ने राजस्थान में चुनाव तैयारियों की समीक्षा की है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु ने कहा है कि सरकार जल्द ही ई कॉमर्स नीति की घोषणा करेगी। तमिलनाडु में तूफान ग्रस्त क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य जारी है। तूफान से मरने वालों की संख्या बढ़कर 33 हो गई है। और आईसीसी महिला विश्व कप 2020 क्रिकेट में भारत ने टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया के साथ पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।